हेलो स्टूडेंट्स, आरसीए एजू हब के ऑनलाइन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। जैसा कि स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में कौन डिस्कस किया था और उसके बाद में डिग्री हमारी चल रही थी, वो अभी पूरी नहीं हुई थी। चलो हम डिग्री को एक बार फटाफट से रिकॉल करते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट। तो हमारा पहला पार्ट चल रहा था डिग्री, जिसको हम किसी भी नंबर के ऊपर एक छोटा सा सर्कल बना करके रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि ये क्या है, 60 डिग्री इसको पढ़ा जाएगा। अब डिग्री होती क्या है, मान लीजिए आपके पास एक लाइन है, इस लाइन को आप ऐसे घुमाते हो तो घूमने के बाद में क्या हो जाता है, एक परपेंडिकुलर हो जाते हैं दोनों। तो यहाँ पर जो आपका जो एंगल है या फिर ये जो बनता है, इसको क्या बोलते हैं, समकोण। तो इस समकोण को इक्वल 90 पार्ट्स में अगर हम डिवाइड करते हैं तो इसका जो बनने वाला एक पार्ट है उसको हम एक डिग्री बोलते हैं, या फिर वो एक डिग्री के बराबर होता है। अब हम देखते हैं कि डिग्री का भी कोई छोटा रूप होता है क्या। जी हाँ स्टूडेंट, एक डिग्री बराबर होता है 60 मिनट, और जिसको मिनट को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ये डैश है। इसका मतलब क्या है, मिनट है, इसको मिनट पढ़ेंगे, या फिर 60 मिनट, ये हो गया है। अब क्या एक मिनट का भी कोई छोटा पार्ट है, जी हाँ बिल्कुल। जैसे कि आप कोई वजन को तोलते हो तो एक क्विंटल होता है, क्विंटल में मापते हैं तो क्विंटल से छोटा पार्ट क्या होता है, किलो। एक क्विंटल में कितने किलो होते हैं, एक, यानी कि एक क्विंटल में 1000 किलो, सॉरी 100 किलो, एक क्विंटल में 100 किलो, और एक किलो में 1000 ग्राम। तो वही सीन यहाँ पे है, एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट, और 60 एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, वो होते हैं 60 सेकंड। ये कोण मापने में भी मिनट और सेकंड जो है इसके मात्रक हैं, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा। वैसे भी जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे या फिजिक्स पढ़ोगे तो वहाँ पर जब एंगल पढ़ोगे तो वो जो एंगल हैं वो या तो मिनट में आएंगे या फिर सेकेंड में आएंगे, यानी कि ये कोण से छोटा मात्रक है, बहुत ही छोटा, यानी कि बहुत छोटे कोणों को अगर हम मापेंगे तो किसके में मापेंगे, मिनट और सेकंड में मापेंगे। तो ध्यान रखना, एक डिग्री बराबर 60 मिनट और एक मिनट बराबर 60 सेकंड होता है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। अभी क्वेश्चन आएंगे इस पे बेस्ड, तो उन क्वेश्चंस में आपको और समझ में आ जाएगा। चलो अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। डिग्री के बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका जिस में कोण को हम मापते हैं वो है रेडियन। रेडियन अब इसमें क्या होता है, चलो ये देख लेते हैं स्टूडेंट। देखो रेडियन में जो आपका एंगल है वो कैसे मापा जाता है, चलो रेडियन को समझने से पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं, अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है तो ये जो वृत्त की परिधि है, ये आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में, ये जो परिधि की लंबाई होती है वो कितनी होती है, ये होती है 2πr। अगर रेडियस जो है 1 है तो ये क्या हो जाती है, 2π। अब हम समझते हैं कि रेडियन क्या होता है और ये कैसे डिफाइन होता है, यानी कि मान ले कि हमारे पास एक इकाई त्रिज्या का क्या है, वृत्त है, इस तरीके से ये त्रिज्या क्या है, इकाई है। तो यहाँ पे इस वृत्त में अगर इकाई लंबाई का कोई चाप लेंगे, चाप यानी कि जो ये परिधि है इसका कोई हिस्सा अगर हम लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, चाप बोलते हैं। अगर इकाई लंबाई का यानी कि जितनी त्रिज्या है उतनी ही लंबाई का यहाँ पे कोई चाप ले और इस चाप को से यहाँ पे कोई कोण अंतरित करवाएं, यानी कि यहाँ पे मिला दें, तो ये जो बनने वाला कोण है वो कितने का होगा, 1 रेडियन का होगा, 1 रेडियन का। कहने का मतलब एक इकाई त्रिज्या का कोई ये वृत्त लेते हैं और इसमें उसी इकाई चाप की लंबाई से केंद्र पे कोई कोण अंतरित करवाएं तो वो जो कोण होता है वो कितना, 1 रेडियन का होता है। तो यहाँ पे देखो अगर ये है आपके पास ये वृत्त है तो इसकी टोटल परिधि कितनी होगी, वो आपको पता है 2πr। तो 2π × r क्या है यहाँ पे, 1, क्योंकि 1 इकाई त्रिज्या का कोई वृत्त ले रखा है हमने। तो यहाँ पे जो केंद्र पे बनने वाला कोण है तो क्या बनेगा, पूरा, यानी कि इस पूरी परिधि से अगर
एक इकाई की चाप से जो केंद्र पे बनता है वो एक रेडियन का कोण बनता है, तो पूरे इस चाप से केंद्र पर ये जो कोण बनेगा वो कितने रेडियन का बनेगा, वो बनेगा आपका 2π रेडियन, 2π रेडियन। और रेडियन में इसका कोई छोटा पार्ट नहीं है, अगर इसे छोटे में देखेंगे तो क्या एक रेडियन है, 5 का भाग देंगे तो 1/5 रेडियन इस तरीके से लिखेंगे। और रेडियन में हम मेनली किससे लिखते हैं, पाई से लिखते हैं। तो अब हमने देख लिया है रेडियन, पूरा सर्कल ये जो केंद्र पे बनने वाला कोण है वो कितना हो जाएगा 2π रेडियन का। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, आपका रेडियन और डिग्री में कोई रिलेशन है क्या, कोई संबंध है क्या। तो यहाँ पे डिग्री एवं रेडियन में संबंध या फिर रिलेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इस पे इसी के बेस पे क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, तो इसको ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स। जब हमने डिग्री देखा था तो हमने देखा था कि एक लाइन है ये घूम करके फिर से इसी लाइन पे आती है, तो यहाँ पे जो एंगल बनता है वो कितना बनता था, 360 डिग्री का बनता था ये। और रेडियन में हमने देखा है कि एक ही राउंड यहाँ से लेते हैं, यानी कि पूरे जो ये आपकी आर्क है या फिर जो ये आपकी परिधि है इससे केंद्र पे जो कोण बन रहा है वो कितना 2π रेडियन का है, यानी कि एक राउंड इतना एंगल जो है ये इसके इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब जो 360 डिग्री है वो किसके इक्वल होना चाहिए, 2π रेडियन के इक्वल। तो यहाँ पर जो रिलेशन है वो क्या है, 2π रेडियन इज इक्वल टू होगा आपका 360 डिग्री। ये रिलेशन है दोनों में, डिग्री और रेडियन में। अब स्टूडेंट्स हम डिफरेंट डिफरेंट रेडियन का डिग्री में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर इस इक्वेशन से हम इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो देखो क्या आएगा, डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा, ये यहाँ पे पाई बच जाएगा, पाई रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। कहने का मतलब पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180, ये पता लग गया है। अगर इसको वो भी 2 से डिवाइड कर दे तो क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 2 रेडियन इज इक्वल टू 90 डिग्री। वो 2 से डिवाइड करे तो क्या हो जाएगा, ये पाई बाई 4 रेडियन इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब उसको और 2 से करेंगे तो यहाँ पे डिवाइड ये होगा नहीं, तो 2 से और डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो और क्या कर सकते हैं, और भी जो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, यानी कि इसको किससे 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 3 रेडियन इज इक्वल टू 180 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन बराबर क्या होता है, 60 डिग्री। स्टार्टिंग में हो सकता है स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आपको मालूम ना हो, लेकिन इस तरीके से आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर करके आप अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे आपका इसको अगर हम करते हैं 9 से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा आपके पास, पाई बाई 9 रेडियन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 डिग्री। तो डिफरेंट डिफरेंट डिग्रीज के और रेडियन के वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। अब इन पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारे से पूछे जाएंगे, बहुत ही इजी क्वेश्चन हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो 25 डिग्री है उसको रेडियन में चेंज कीजिए, यानी कि 25 डिग्री को का मान रेडियन में लिखिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, तो कैसे लिखेंगे देखो, तो सबसे इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ इसको सोल्व करने का, 25 डिग्री का मान रेडियन में हम कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें पता है, चाहे फर्स्ट वाली इक्वेशन जो थी 360 डिग्री इज इक्वल टू 1 यानी पाई रेडियन, यानी कि 2π रेडियन वो ले सकते हैं, या फिर 180 डिग्री इज इक्वल टू हम जानते हैं
कितना पाई रेडियन, जो अभी हमने संबंध निकाला था, रिलेशन निकाला था वहाँ से, यही होता है। हमें क्या निकालना है, 25 डिग्री। तो क्या करेंगे, देखो अब यहाँ पे 1 डिग्री को निकाल सकते हैं क्या, इसमें डायरेक्ट ही हम 180 से डिवाइड कर दे दोनों साइड में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको 180 से डिवाइड किया है हमने, तो इसको भी किससे डिवाइड कर देंगे, 180 से, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 रेडियन। नेक्स्ट अगर हमें क्या निकालना है, जितना भी डिग्री निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 25 का कितना हो जाएगा, इसको 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 25 रेडियन, ये हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल कर देंगे, तो ये 5 से 5 25, 5 3 और 5 6 ये हो गया है। तो यह क्या निकल के आ गया आपके पास, 25 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 पाई बाई 36 रेडियन, ये निकल करके आपका आ गया है। स्टूडेंट्स इसी तरीके से आप कोई और जो आपकी डिग्री की वैल्यू है उसको आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं, और इसके विपरीत भी आप किसी भी रेडियन को डिग्री में चेंज कर सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स आपको मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ जो घर पे आपको प्रैक्टिस करनी है, तो आपको जो चेंज करना है वो किसको चेंज करना है, 35 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, और आपको 55 डिग्री को रेडियन में चेंज करके देखना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, दोनों बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इनको आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और बहुत ही सिंपल होने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट वीडियो।